और इसमें जस्ट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम मैथ्स के इस प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन जानेंगे और ये जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या। आप देख सकते हैं आपके सामने ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये बेसिकली मैथ्स का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट हमारे पास बहुत सी चीजों पर रोशनी डाल रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक वक्त के लिए भूल जाएं कि ये मैथ्स का प्रोजेक्ट है तो ये आपको क्या लग रहा है? यकीनन ये आपको एक हर्ट लग रहा होगा। रिप्रेजेंटेशन जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है वो यही है कि बच्चे ये कहते हैं कि भाई मैथ्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ है या मैथ्स का क्या यूज है या फिर हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स इज एवरीवेयर। अगर आप अपनी इर्द गिर्द की चीजों को ऑब्जर्व करें तो आपको हर जगह मैथमेटिक्स नजर आएगी। ये प्रोजेक्ट इसकी एक लाइफ एग्जाम्पल है। अब आप कहेंगे कि इसका हट होने से मैथ से क्या रिलेशन आती हूँ? ये जो हमारे पास रूफ है और जो हमारे पास बेस है वो बेसिकली हमारे पास हेक्सागन है। हेक्सागन वो शेप होती है जिसकी सिक्स साइड्स होती हैं। उसके बाद अगर आप इसके टॉप पे देखें तो ये एक सर्कल है और बाकी जो इसको और ज्यादा जो है खूबसूरत बना रहे हैं वो हमारे पास ये कलरफुल ट्राइंगल्स हैं। इवन हमारे पास यहाँ पे जो ग्रिल्स हैं जिसको हम अगर हट की ग्रिल्स कहें तो ये भी हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल्स की मुख्तलिफ अकसाम हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एस ए एस रूल, जो कि हमारे पास होता है साइड एंगल साइड रूल। इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल जो है वो इक्वल होता है तो दो ट्राइंगल हमारे पास क्या कहलाते हैं? सो सीरीज ट्राइंगल। दूसरा हमारे पास जो रूल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है RHS, जिसका मतलब है राइट हाइपोटेन्यूस साइड, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो हमारे पास ये देख सकते हैं दो ट्राइंगल हमारे पास तब राइट एंगल ट्राइंगल कहलाते हैं जब इसका एक एंगल, राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री जब एंगल होता है तो हमारे पास वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और ये वाली हमारे पास जो लॉन्गेस्ट साइड होती है जो टू साइड्स को प्लस करने के बाद उसके स्क्वायर की इक्वल आती है तो वो हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूस। थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल है जी एस 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 रूल। एस 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 का क्या मतलब है? साइड 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 रूल। साइड साइड से क्या मुराद है? हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल तब हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएंगे जब इनकी दोनों साइड जो है वो इक्वल होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जो कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो के थ्रू आप तक कन्वे किया है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।